जी हरकी पड़ी पाए या कहीं गोल गए रहे या आपको कोरोना के मन दिख रहे डिस्टेंसिंग का कोई यहाँ पे है नहीं, परहेज नहीं कोई कर रहा है यहाँ पे। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि पब्लिक का अपने आप ही ऐसे खड़ी हुई है, घूम रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई घेरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ मेंटेन करना चाहिए प्रशासन। यदि भीड़ हो रही है उसी से कुछ प्रशासन पालन करा रहा है? शासन तो पालन करता है लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं वो खुद नहीं करते हैं ना। कहीं गोल चक्कर लगे हुए हैं, कहीं दूरी कहीं कहीं लगे हैं, कहीं नहीं लगे हैं, पूरा नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या मानते हैं कि कितना पालन हो रहा है यहाँ पर प्रशासन कोरोना की सुरक्षा को देखते हुए कितनी व्यवस्था अच्छी है? 80% पालन हो रहा है नियमों का, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी कहीं कहीं घेरे लगे हैं, बाकी कहीं देखो आप जैसे अब श्रद्धालु चल रहे हैं वैसे ही है, कोई सुरक्षा वगैरह यहाँ पर है नहीं कुछ भी जिस हिसाब से। बाकी यहाँ से लॉकडाउन जो कर दिया इन्होंने 12 बजे से कर दिया। कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है इन चीज़ों को देखते हुए? तो हो ही रही है सर, जो भी है और तो बाकी सब ठीक है। सुबह आए थे हम भी, लेकिन लॉकडाउन करके हमारे को भी कहा जल्दी जल्दी करके हम भी चले गए थे, लेकिन हम डिस्टेंस करके मास्क लगा के रखना सब कुछ ये मेंटेन कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख ही रहे हो जैसे भी कैसे श्रद्धालु खड़े हुए हैं कैसे। कोरोना का नियम का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, घाटों पर कंडे हो या यात्री हो तो देखिए, हर की पैड़ी पे माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में अभी भी जो रिचुअल्स करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको अनुमति है, और हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा भी लगातार जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं या जो पंडा समाज के लोग हैं, जो गंगा समाज के लोग हैं, उनको विश्वास में लेकर के उनसे बात करके सहयोग मिल भी रहा है। इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि आने वाली संख्या ऐसे लोगों की जो रिचुअल्स के लिए आ रहे हैं काफ़ी अधिक है। लगातार हमारे द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, लोगों को मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जो हमारे स्थानीय लोग हैं जो कि पूजा का कार्यक्रम कराते हैं उनको भी हमारे द्वारा ये किया जा रहा है कि उनकी स्वयं की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, हमारे हरिद्वार की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि वो सतर्क होकर के जो भी कर्मकांड कराते हैं उसको भी संपादित करें और अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, हरिद्वार की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर, जो गंगा सभा या अन्य सभा हैं, जो पंडा समाज है सर, वो कहीं भी मानक का पालन नहीं करता, कहीं भी हर की थोड़ी व्यापार या की जैसे आते हैं रोल बनाए जाते हैं, चक्कर बनाए जाते हैं, कहीं कुछ नहीं बना रहते, उसको लेकर क्या आदेश होगा? हमने इसके लिए भी एक निवेदन किया है कि अगर हो सके, चूँकि हर की पैड़ी का जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है और खुला एरिया है, तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आमतौर पर नहीं आती हैं। और जो भी श्रद्धालु है तो जो भी वहाँ पे स्टेक होल्डर है, वो चाहे गंगा सभा हो, स्काउट गाइड हो, वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो सभी लोग सपोर्ट करते हैं और जो भी हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया जाता है उसका अनुपालन भी करते हैं। अगर थोड़ी बहुत जो कमियाँ रह जाती हैं, जो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी में हमारे द्वारा ये मानी जाती है कि यात्री नहीं समझ पाता, और कई बार जब एक परिवार के लोग एक साथ चलते हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं कभी कभी। बाकी जो होटल में भी लोग हैं जिनके द्वारा लोगों को सर्व किया जा रहा है, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, तो उनको भी हमने एक निवेदन किया है कि आप कृपा करके पैक करके उनको खाना दिया करें, उनको उसमें बैठा करके अपने रेस्टोरेंट में या ढाबे में ना खिलाएं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक होती है। तो हम इसको सुनिश्चित कर रहे हैं और लगातार और जो कमियाँ उसको भी पूरा करने का प्रयास।